सपा में गुटबाजी चरम पर। जी हाँ बिल्कुल, बता दें समाजवादी पार्टी जैसे जैसे चुनाव को हार रही है वैसे वैसे वहां गुटबाजी अपनी चरम पर होती जा रही है। फिलहाल सभी जिलों की तो बातें नहीं करते हैं, लेकिन रामपुर से लेकर के आपको पीलीभीत की घटना से रूबरू कराते हैं। रामपुर में जहां अभी 5 लोगों पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई खुद अखिलेश यादव जो कि सपा के प्रमुख हैं उन्होंने की है, वहीं दूसरी तरफ पीलीभीत में नए अध्यक्ष बनने के बाद ही बड़ा हंगामा गरमा गया। आपको बताएं पीलीभीत में जगदेव सिंह जग्गा को जैसे ही जिलाध्यक्ष बनाया गया वहां के पूर्व महासचिव अरशद खान ने अलग ही अलाप लिया, जहां जगदेव सिंह जग्गा ने विरोध प्रदर्शन किया भारत को लेकर के और कई चीजों को लेकर के, वहीं उस सपा के महासचिव ने पूरी दूरी बनाए रखा। आपको बता दें कि सपा के महासचिव दूसरे विषयों को लेकर के खासकर महंगाई, बेरोजगारी और अल्पसंख्यकों के अत्याचार को लेकर के उन्होंने एक बैठक बुलाई। दोनों ही अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। आपको बता दें समाजवादी पार्टी में टूटने का सिलसिला बड़ा तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि रामचरितमानस को लेकर के जहां ऋचा सिंह और रोली तिवारी हटी, वहीं पर प्रदीप तिवारी, पीडीओ ब्रजेश यादव भी अभी कुछ दिन पहले हटे, वहीं पर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा प्रहार करते हुए अनुशासनहीनता के मामले पर उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और रामपुर में अपने 5 प्रमुख लोग उसमें से एक आजम खां का करीबी बताया जाता है उसको भी हटाया। वहीं पर अब आप देखिए कि पीलीभीत में गुटबाजी अपने चरम पे पहुंच गई है। जी हाँ, सपा में गुटबाजी चरम पर।